Hello friends, good morning. My name is teacher Rajendra Sharma. We will discuss about the lesson in first flight. So first of all, who is the main character? The young singer is the main character of this lesson. This story is based on the very kahani hai ki usne ek din bhooti ke upar aadharit hai and his experience uske jo anubhav hai. एज ही प्लेस इज फर्स्ट फ्लाइट, जैसे वह अपनी पहली उड़ान करता है उसके जो उसे एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, ये उनके ऊपर आधारित है. सेकेंडली फेस फादर एंड मदर, दे आर द पेरेंट्स ऑफ यंग सिंगर. इसके अंदर जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी सिंगर की कैरेक्टर में आते हैं. ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर द सिबलिंग ऑफ यंग सिंगर. तो यंग सिंगर के सिबलिंग हैं. जो पहले ही उड़ान भरना सीख गई है. सो अब इसमें से स्टोरी में क्या कहा गया है कि जो ये यंग सिंगर है ही इज अफ्रेड टू फ्लाई, ये उड़ान भरने से डरता है. ही हैज नॉट द करेज टू फ्लाई, ये उड़ने का साहस नहीं कर पाता. सो इसके जो छोटे ब्रदर दो सिस्टर थे देखे वो पहले भी उड़ चुके हैं, उसका मजाक करते हैं, उसे कहते हैं यदि तुम उड़ान नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ पर भूखा रहना पड़ेगा. क्योंकि इसकी जो मदर है वो भी इसे कोविड करती है, नोमिनेट करती है, उड़ान करने के लिए कहती है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता. इसे ये डर रहता है यदि मैं उड़ान भरता हूँ तो मेरी जो विंग से पंख है उन्होंने सहारा नहीं दिया तो मैं नीचे समुद्र में गिर जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा. लेकिन इसकी जो मदर है वो क्या करती है, ये कहते हैं कि आप यहाँ पर भूखा रहोगे, ये पंडितों को आज यहाँ पर भूखा रहता है. वो मछली का एक पीस टुकड़ा लेती है, पीस ऑफ फिश, एंड कम्स नियर टू हिम, उसके नजदीक आ जाती है. बट सी इज नॉट वेरी क्लोज टू हिम, परंतु वो उसके बिल्कुल नजदीक नहीं आ रही. सी लैंड्स ऑन अनदर रॉक, वो एक दूसरी चट्टान के ऊपर बैठ जाती है. पर यंग सिंगर मेड बाय वो उसे पागल हो गया कि मुझे टूट आई, उसे उसने चिल्लाना शुरू किया. और जैसे ही ये उस मछली के कुत्ते के ऊपर झपटता है और इसके जो ब्रदर जो सिस्टर है दे स्क्रीम, स्क्रीम का नहीं होता चिल्लाना, खुशी से चिल्लाना, वो भी खुशी से चिल्लाते हैं. तो यंग सिंगर है ये अपनी उड़ान भरना शुरू कर देता है और जैसे ही इंडियन समुद्र के अंदर जाता है हम उसको ऊपर से उड़ान करता है तो अपने नीचे के विशाल समुद्र को देख करके हैरान हो जाता है. उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो उसके अंदर डाइव करते हैं, समुद्र में से पानी को टच करके निकल जाते हैं, डाइव करते हैं, डूबकी लगाते हैं. और जैसे ही अपने आप को पानी के ऊपर लैंड करता है इस लेग सेट में मतलब वाटर उसकी जो लेग है ये पानी के अंदर डूब जाते हैं, गिर गया वो डर जाता है. बट एज इज पैनिक टच द वाटर ही डिड नॉट सेट नो, वो आगे नहीं बढ़ता. सो दिस इज इस फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली उड़ान है. दिस इज ए स्टोरी ऑफ यंग सिंगर, ये यंग सिंगर के बारे में एक कहानी है. द टाइम हैड कम जो समय में वो आ गया था, व्हेन ही मस्ट लर्न टू फ्लाई, जब उसे अवश्य ही उड़ान भरना सीखना है. इस टू ब्रदर्स एंड ए सिस्टर, उसके दो दो भाई उसके दो बहन हैं, हैड ऑलरेडी लर्न, वो पहले ही सीख चुके हैं हाउ टू फ्लाई, कि कैसे उड़ा जाता है. अपने माता पिता की नकल के द्वारा नकल करके वो पहले ही उड़ान भरना सीख चुके हैं. दे हैव सिंपली लर्न द थिंग ऑफ द लाइफ, दे हैव सिंपली लर्न, वो सामान उसे जोड़ते हैं द थिंग ऑफ द लाइफ, उस सिला मतलब के और लैप ऑफ देयर विंग, उन्होंने अपने मतों को भराया एंड दो मवे को टूट गए.
तो जो यंग सिंगल है वो वहाँ पर प्रेम पर आता है एंड ट्राई टू फ्लाई तो उनका भरने का प्रयास करता है इन द एयर हवा ही बिकम अफ्रेड को डर जाता है ही फेल्स उसे भी विश्वास हो जाता है दैट इफ ही ट्राई टू फ्लाई यदि वह उड़ान भरने का प्रयास करता है ही वुड फॉल इनटू द सी वो नीचे समुद्र में गिर जाएगा सो ही रन बैक टू हिज और इसलिए वह अपने होम में चला जाता है अंडर द लैंड चट्टान के नीचे हिज पेरेंट्स कम टू देखिए उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे देने के लिए आते हैं अलोन विद देम अपने साथ बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई परंतु वह उड़ान भरने से मना कर देता है दे फर्टे वो उसे डांटते हैं धमकाते हैं दैट ही ही वुड स्टार्ट टू द लैंड कि वो उसे जानवर धोखा देगा बट द यंग सिंगल वाज अफ्रेड टू परंतु जो यंग सिंगल है वहाँ से वो करने से वो डरता है इन पेरेंट्स दैट लेफ्ट तब उसके माता पिता उसे वहाँ अकेला छोड़ देते हैं 24 hours had passed तो 24 घंटे हैं वो बीत चुके थे सिंस देन द यंग सिंगल हैड नो इटन एनीथिंग उस यंग सिंगल ने कुछ भी नहीं पाया दे बिगिन टू फील वेरी उसे काफ़ी भूख महसूस होती है ही स्मोकिंग टू द ब्रिंक ऑफ द लेंस उस चट्टान के किनारे आता है एंड सारा हिज फैमिली और अपने परिवार को देखता है ऑन द बिग लैंड एक बड़े पठार उसके जो ब्रदर और जो सिस्टर है वह लाइन फूल देखिए और पठा रोजी रोजी का भी घूमना वो घूम रहे थे इस फादर वाज प्रीचिंग हिज फियर उसका जो पिता है प्रिंचिंग का मीनिंग होता है सेट करना जैसे हम अपने गेयर को सेट करते हैं तो अपने फिगर को उसका जो फादर है वो उनको सेट करता है एंड इस मदर पर ईयरिंग के इस होते हैं उसकी जो मदर है वो मछली के एक टुकड़े को क्या कर रही थी ईयर कर रही थी फाड़ रही थी एंड कुकिंग ऐसे वो उसकी यंग सिंगल की तरफ देख रही थी वह अपने माता से प्रार्थना करता है तो गिव यू सम फूड कि उसे कुछ भोजन दे इस मदर लुक एट हिम उसकी मदर ने उसकी तरफ देखा टाइगर एक ही नजर बट नेक्स्ट मोमेंट अगले पल सी पिकड अप ए पीस ऑफ फिश उसने एक मछली का टुकड़ा लिया एंड फ्यू वार्ड और उसकी तरफ अगले ही बार शी पिकड अप फिश और फिश उसने मछली के टुकड़े को उठाया एंड फ्लू टू वार्ड हिम और उसकी तरफ उड़ गई हाउएवर लेकिन व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम उसके बिल्कुल विपरीत थी शी हार्डिड हर विंग्स मोशनलेस उसने अपनी विंग्स को पंख क्या किया मोशनलेस किया हिलाना बंद कर दिया पीस ऑफ पीस की हड्डी उसकी सोच के अंदर एक मछली का टुकड़ा था जंग से दो विकेट उसने इंतजार किया और मोमेंट उन पगों का बट देन ही कुड नॉट हियर इट एनीवेयर परंतु वह उस धूप को और अधिक देर तक सहन नहीं कर सका ही वाज डेस्परेटली वो बहुत ज़्यादा था ही डाइव एट द फिश डाइव का मीनिंग है टूटना उस पर मछली के टुकड़े के खिलाफ झटका टूट पड़ा ही कुड नॉट रीच नियर टू हिज मदर लेकिन वह अपनी मदर के नजदीक नहीं पहुंच पाया बट फेल फ्रॉम द लैंड उस लैंड से नीचे गिर गया डाउनवर्ड इनटू द स्पेस नीचे जा कर ही फील ही वाज फिल्ड विद फियर वो बहुत ज़्यादा डर गया एंड क्राई और चिल्लाने लगा बट दिस फियर लास्ट फॉर ओनली ये उसका जो डर था
वो केवल कुछ ही मिनट के लिए होता है। स्प्रेड स्प्रिंग स्प्रेड का मतलब फैलाना, उसने अपने पंखों को फैलाया एंड और ही क्राइड, वो चिल्लाया विद खुशी से एंड स्टार्टिंग फ्लाइंग हायर एंड हायर, वो और अधिक ऊंचाई तक उड़ने लगा। पेरेंट्स उसके जो पेरेंट्स हैं ब्रदर ने और सिस्टर हैं फ्लू अराउंड हिम, वो भी उसके लिए क्लियर घूमने लगे राउंड करने लगे। देवर आ गए, वो सभी खुश थे। आप एक बार उस समय के बाद यंग सिगल पेरेंट्स, यंग सिगल के जो पेरेंट्स हैं ब्रदर हैं और उसके जो सिस्टर हैं लैंडिंग इंडस्ट्री को नीचे समुद्र के ऊपर उन्होंने लैंड किया। तीखी आवाज में चिल्लाना, वो तीखी आवाज में चिल्लाने लगे कम देर उसके तरफ आते हुए स्टैंड उसने समुद्र के ऊपर स्टैंड करने का प्रयास किया बट उसकी जो टांग है उस पानी में डूब गई एंड ही वाज फ्राइटेंड और वो घबरा गया डर गया। बट इस पहले टच का वाटर एंड जैसे ही उसका जो बेल उसने पानी को टच किया एंड ही डिड नॉट और वह आगे नहीं बढ़ा। ही बिगिन टू फ्लोट, फ्लोट का मतलब था तैरना, उसने तैरना शुरू किया ऑन द सी समुद्र के ऊपर। इस फैमिली मेंबर प्रेस की उसके परिवार के जो सदस्यों ने उसकी प्रेस की प्रशंसा की एंड गेव हिम पीस ऑफ फिश टू ईट और उसे खाने के लिए मछली का एक टुकड़ा दिया। अपनी जो पहली जो उड़ान है वो भरी। फ्रेंड्स हमने इस लेसन को अभी जब स्क्रीट किया है और इसमें हमने देखा कि इसमें जो थ्री इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आते हैं यंग सिगल में उसके पेरेंट्स हैं उसके ब्रदर और सिस्टर हैं। लेकिन वन प्ले की बात की इस लेसन, इस लेसन का थीम क्या हो करते हैं, इस लेसन का जो थीम है वो क्या है, क्या ये मैसेज दिस स्टोरी कन्वेज द मैसेज, दिस स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट discuss the difference in the behavior of the young sibyl in the very beginning and at the end of the story. Yes, I repeat again. Discuss the difference in the beginning of the young sibyl. Discuss the difference in the behavior of the young sibyl in the very beginning and at the end of the story. And our second question is, why were the young sibyl afraid to fly? How did he conquer his fear? And our third question is, how did Sigurd's parents try to make him fly? So friends, you have to learn this question. Three questions. Okay? I know you have to learn this story. Nice to meet you. Okay? Milte hain.
कल के लेक्चर में। थैंक यू।